ट्रेड इन्वॉल्व्स का मतलब यह है कि जैसे मैंने पहले ट्रेड ब्लॉक्स पढ़े थे जिसमें बी आई ओ सी एस था, तो ट्रेड ये वाला ट्रेड एम्बार्गो जो है उसको ट्रेड ब्लॉक भी कहा जाता है, ये ब्लॉकिंग वाला बात करते हैं। तो ट्रेड ब्लॉक्स क्या है, तो ये आकर हैं क्या, तो ये है कि एक पूरा कुछ चंद कंट्रीज का ग्रुप जो है वो एक ब्लॉक या एक ग्रुप कायम करता है और फिर किसी एक कंट्री के या एक आध कंट्री या दो कंट्री को टारगेट करके उनसे अपनी ट्रेडिंग परमानेंट बंद कर देता है। जैसे यूएसए ने कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि ईरान के साथ किया था, वहाँ से एक्सपोर्टिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। तो ये था ट्रेड ब्लॉक, यानी कि ट्रेड जो था वो इस कंट्री से जो है बिल्कुल रोक दिया गया था। ठीक है, ऐसी सूरत में एम्बार्गो इन कंट्री ये है जिसने ये एम्बार्गो लगाया है, ये एम्बार्गोड कंट्री है। ठीक है, अभी ग्राफिकली कैसे काम करता है इस चीज़ को देख रहे हैं। ग्राफ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोर्टिंग कंट्री जो कि एम्बार्गो कंट्री है। ठीक है, ये है एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि एम्बार्गो कंट्री, वो एक कंट्री जिसने एम्बार्गो लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये इंटरनेशनल मार्केट, डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स, और ये डिमांड कौन सी कंट्री करी वाली जिसको ट्रेड ब्लॉक का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि एम्बार्गोड कंट्री से जो है ये डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स है। ठीक है, ये SN+E यानी कि सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम नॉन एम्बार्गोइंग कंट्रीज प्लस सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एम्बार्गोइंग कंट्रीज। ऐसी बात है, पूरी दुनिया के अंदर से सप्लाई किसी भी एक गुड़ की हम बात कर रहे हैं, अगर सप्लाई आ रही होगी तो क्या होगा कि उससे अब पूरी दुनिया के अंदर तो एम्बार्गोइंग कंट्रीज भी नॉन एम्बार्गो यानी कि कुछ हैं जिन्होंने ये ब्लॉकिंग लगा दी, कुछ लोगों ने नहीं लगाई। ठीक है, तो एक ये जो है ये सप्लाई जो है मैंने बिल्कुल इसकी ही लेके यहाँ पर ट्रेस की है। ठीक है, बिल्कुल रिलेटिवली फ्लैटर पॉइंट ई, पॉइंट ई से प्राइस 1 बन रही थी इंटरनेशनल प्राइस में वो यहाँ पे, तो ये एक्सपोर्टिंग चल रही थी। ठीक है, एम्बार्गोइंग कंट्रीज, अब जब एम्बार्गो फॉर्म हुआ तो क्या हुआ कि जो एम्बार्गो कंट्री की सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई, यानी कि अब वो इस ई से इस एफ पॉइंट पे आ गए जहाँ पे डिमांड फॉर इम्पोर्ट तो वही है मगर सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो नॉन एम्बार्गोइंग कंट्री की तरफ से, जो कि रिलेटिवली स्टीपर है पहले वाले सप्लाई पॉइंट से। ठीक, यानी कि अब मूवमेंट फ्रॉम एफ टू पॉइंट ई। ठीक है, अब पी टू जो है पी वन से ज़्यादा यानी कि इसकी रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक, अमोनी गैप अच्छा खासा वाइडन होता है, मैंने बनाने में थोड़ी गलती हो गई तो ये वाइडन नहीं हो सका इतना, तो अलबत्ता ये बहुत वाइडन होगा, यानी कि अगर हम इस सप्लाई कर्व को थोड़ा सा और स्टीपर बना लें और इस फ्लैटिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा और फ्लैटर कर दें तो ये गैप अच्छा खासा वाइडन हो जाएगा। ठीक, ई से लेके एफ तक के मूवमेंट में गेन भी हुआ है लॉस भी हुआ है, ये जो एक एरिया नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात है जब एम्बार्गो की वजह से एक्सपोर्टिंग बंद हो गई तो ये जो ए वाला एरिया था ये लॉस में आ गया, तो ये वाला ए एरिया जो है ये यहाँ पे ये रहा इंटरनेशनल मार्केट। अब ये लॉस कैसे आ गया, जाहिर सी बात है उनके पास एक गुड थी जिसकी एक्सेस सप्लाई थी तो वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस तरीके से प्राइस भी उसकी अच्छी बनी हुई थी, प्रोड्यूसर भी वेल ऑफ हो रहा था और एक्सपोर्ट भी हो रहा था, इंटरनेशनली भी उसकी बर्थ बन गई थी। अब चूंकि ये नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरनेशनल प्राइस नहीं आएगी, वो इक्विलिब्रियम पे प्राइस कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम कंज्यूम और इंटरनेशनल मार्केट की बर्थ जो है ख़त्म हो जाएगी, तो एक तरीके से ये ए जो है ये लॉस करेगी। ठीक है, लॉस ऑफ द एम्बार्गोइंग कंट्री। ऊपर लिख देती हूँ, ए इज
लॉस ऑफ एम्बार्गोइंग कंट्री। दूसरा एरिया बन रहा है ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये सी जो है थोड़ा खराब है, ये सी है। तो बी और सी तो वो एरिया हो गया जो कि उसने लॉस कर दिए ईरान ने, यानी कि डिमांड फॉर इंपोर्ट जो कंट्री कर रही थी, एम्बार्गोड कंट्री का लॉस जो है वो बी और सी है। कैसे? वो अगर यहाँ प्रोड्यूस कर रहा था यहाँ से, यहाँ हो प्राइसेस ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी की जो इम्पोर्ट्स थी वो कम होंगे, ठीक है। तो बी और सी जो है ये एम्बार्गोड कंट्री का लॉस है। इसके अलावा अब क्या हुआ कि ये ए और सी तो लॉस में आ गया, मगर एम्बार्गो लगने से इस नॉन एम्बार्गोइंग कंट्रीज़ को फ़ायदा भी तो हुआ। पहले उनको इसी प्राइस के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर जो है क्वांटिटी ज़्यादा दिन, मगर इनसे एफ पे मूवमेंट पे क्या हुआ, प्राइसेस ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी भी कम होगी, अब उनको गेन होगा। तो ये जो बी वाला एरिया है ये हो गया आपके पास नॉन एम्बार्गोइंग कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ का गेन। अब उसको नीचे करके मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अभी आपको जो बताया उसका कुल चीज़ ठीक है। ए जो था एरिया, जो एक्सपोर्टिंग का एरिया था एम्बार्गोइंग कंट्री का या एक्सपोर्टिंग कंट्री का, इस केस में एक्सपोर्टिंग का, ठीक। एम्बार्गोइंग कंट्री का लॉस जो है वो एरिया ए था, क्योंकि इतना एरिया जो है वो एक्सपोर्ट कर देता था, तो उसकी जो गुड थी वो आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री भी एक्सपोर्ट हो रही थी और जानी जा रही थी, ठीक है। बी और सी जो है एम्बार्गोड कंट्री का लॉस है, यानी कि इस केस में मैं ईरान लिया था, ठीक है। ईरान और यूएसए की बात करते, ईरान का लॉस क्या था कि उस वो पहले एक कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी को इंपोर्ट कर रहा था, मगर बाद में एम्बार्गो होने से क्या हुआ कि प्राइस भी बढ़ गई और क्वान्टिटी भी अब उतनी इम्पोर्ट नहीं हो रही थी जितनी पहले हो रही थी। बी जो है अदर कंट्रीज़ का गेन, जाहिर सी बात है एम्बार्गो लगने की वजह से नॉन एम्बार्गोइंग कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ, प्राइसेस बढ़ गई और क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ रही, तो ये बी वाला एरिया जो था वो गेन हुआ।